बताओ पहले का क्या आंसर है, बताओ नगीना। पहले और किसे कोई अलग आया है बताओ। देखो जो मतलब जहाँ गलत हो रहा होगा मैं वही बताऊँ क्वेश्चन, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर बताऊँ मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके। हाँ ठीक है, तो पहले का यही है, ठीक है, इसका रीज़न समझ लो। देखो एक पार्टी में मछली और मीट परोसे जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये खाना हो गया, मछली हो गया और मीट हो गया, मतलब चिकन ही हो गया एक तरीके से, ठीक है। कुछ लोगों ने सिर्फ मछली और कुछ लोगों ने सिर्फ मीट खाया, ठीक है, और वहाँ कुछ लोग शाकाहारी थे जिन्होंने कुछ नहीं लिया, ठीक है। शेष लोगों ने दोनों को उपयोग किया, तो बताइए कि निम्न में से कौन सा डायग्राम सही तरीके से इंगित करता है। ध्यान से समझना, अब मतलब ये लोग कौन है जिन्होंने शाकाहारी भी खाया मांसाहार भी खाया, ठीक है, ये वाले लोग, ये बाहर वाला गोला, बाहर वाला गोला मतलब ये दोनों है, ठीक। अब देखो एक पार्टी में, अब देखो मेरा भी सही है तब हाँ यही आंसर आएगा। एक देखो ध्यान से समझना, ये हो सर, गया, हाँ बोलो। आप गलत एंगल से देख रहे हैं। इसका डी आंसर है सर। नहीं आंसर तो इसका सेम ए ही है। इसमें कह रहा है एक पार्टी में मछली और मीट परोसे जाते हैं, तो जो बड़ा वाला गोला लिया है ना वो पार्टी को दर्शा रहा है। अरे पार्टी को कैसे दर्शाएगा, आप कैसे बात कर रहे हो, पार्टी को नहीं दर्शाएगा वो। अब ये आखिरी में वाली स्टेटमेंट पढ़ो ना, शेष लोगों ने दोनों को उपयोग किया है, तो बताइए निम्न में कौन सा। अच्छा सॉरी, मतलब मैंने ये उसको कॉन्टेक्स्ट में ले लिया, ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब ये उसके बारे में बोला जो मछली और फिश दो, ये वाला कॉमन पार्ट, हाँ ये इसके लिए बोल रहा हाँ है। इसके लिए, तो इसीलिए इंटरसेक्शन पार्ट आएगा। तो देखो तो ये वाला गलत हो जाएगा जहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं है, पर आप देखो इसमें ये बाहर ही कर दिया पूरा, नहीं हाँ ये तो ये बोले ये पार्टी वाला पार्ट होगा, तो उसमें जैसे मिसली हो गया, ये वेज हो गया, पर फिर ये वाला क्या होगा बाहर वाला। पार्टी में जितने लोग हैं कुछ कुछ की तो बात कर रहा है वो। देखो मैं फिर बता रहा हूँ यही चीज़ें हैं। अब देखो सुनो दोबारा एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक पार्टी में मछली और मीट परोसे जाते हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने सिर्फ मछली, ठीक है, ये मान लो ये फिश है और ये मीट है, ठीक है। तो ये कुछ लोग हैं जो ये आ गया, अपन जो उधर पड़े भी थे ध्यान से समझना, और कुछ लोगों ने सिर्फ मीट लिया, ये वाला पार्ट। वहाँ कुछ लोग शाकाहारी थे, अब शाकाहारी लोग तो मान लो कि ये जो बाहर वाला गोला है ये मान लो, ठीक है, ये गोले को अगर शाकाहारी मान ले, ठीक है, जिन्होंने कुछ ही नहीं लिया, जिन्होंने ना फिश लिया ना मछली लिया, शेष लोगों ने दोनों को उपयोग किया है। अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये वाला जो लोग, ये वाला ना, ये वाला, ये पूरा जो बचा मतलब वो है कि, मैं फिर बता, ये बाहर वाला गोला ना ये आएगा, शेष लोगों वाला जिसने दोनों को उपयोग किया, दोनों को उपयोग करने का मतलब ये कहता। अब यहाँ पे क्लियर नहीं करना, इंग्लिश पढ़ो। द रेस्ट एक्सेप्टेड बोथ फिश एंड मीट। अब देखो यही मैं बताऊँ, हिंदी में गलत, हिंदी में गलत क्वेश्चन दिया है। इसका मतलब है कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसके बारे में बात कर रहा है। देख इसलिए बता रहा हूँ, इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार, ठीक है। तो हाँ ये सही बात है कि पार्टी में लोग हो गए सारे, ठीक है, ये जो है फिश खाने वाले, ये सारे कॉमन खाने वाले, ये शाकाहारी हो गए, ठीक है। किसी का और कोई आंसर तो नहीं आया ना, चलो ठीक है। और कभी कभी बोला ये देख लिया करो कि दूसरा क्यों नहीं हो, जब इंटरसेक्शन वाली बात करा तो देखो इंटरसेक्शन यहाँ बात हो रही है, परंतु ये पार्टी की तो इनको भारी कर दिया, तो वो नहीं होगा फिर, ठीक है, ये तो मतलब है नहीं, ठीक है। अब ये छोटा बड़े की तो कोई बात कर ही नहीं रहा, तो ये क्यों, ये ऑप्शन तो ऐसे कट जाएंगे सारे, तो इसलिए भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड भी होता है आंसर निकालने का। अगला बताओ, अगला क्या आ रहा है। बी आ रहा है सर। मेरा भी बी है। और किसी का कोई आ रहा है, किसी का कोई और आया, पहली बात बताओ किया भी है नहीं किया, तुम लोग लापरवाह लोग हो भाई, कहाँ गए, पूजा वूजा कहाँ भाग गए। सर मेरा ना इसमें सी है, पता नहीं अब क्यों, मतलब आप बताओ क्यों, आपने क्या सोच के सी मारा ये बताओ मुझे, आप अपना लॉजिक बताओ ना, हो सकता है हम लोग गलत, आप अपना लॉजिक बताओ क्या सोच के मारा सर। सी पढ़ेंगे तब तो बताएंगे। देखो सुनो, यदि दो बड़े वर्त, दो बड़े वर्त, ध्यान से समझो, जो बड़े वाले वर्त है भूमि और जल में रहने वाले जीवों को इंगित करते हैं, ध्यान से समझना। तो भाई स्वाभाविक सी बात है, भूमि और जल तो एक ही रखना, एक एरिया होता है जहाँ भूमि और जल दोनों मिलते हैं, तो इंटरसेक्शन तो आएगा दोनों में,
ठीक है, तो तुमने तो ये बनाया तो ये ऐसे गलत हो गया, इंटरसेक्शन तो आएगा ना दोनों में, ये वाला भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और एक छोटा वर्त जल और भूमि दोनों में रहने वाले जीव को इंगित करता है। अब देखो ये छोटा वाला जल जो दोनों में रहता है, तो देखो छोटा वाला बोले यहाँ तो बाहर ही गया, ये तो ऐसे गया, ये भी अलग हो गया। अब यहाँ पे देखो वो बोले एक छोटा वर्त जो जल और भूमि दोनों में रहने वाले जीव को इंगित करता है, तो इस स्थिति को निम्नलिखित डायग्राम के माध्यम से समझाया जा सकता है, ठीक है। तो सभी सी बात है यही वाला होगा, क्योंकि ये देखो ये दोनों में आ रहा है, इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, ठीक है। मुझे बताओ ना कि ना एक आंसर क्यों नहीं हो सकता इसका, चलो ठीक है सी और डी तो चलो सीधा सीधा कट रहा है, एक क्यों नहीं आंसर हो सकता ये मुझे बताओ इसका। सर ए वाले में है ना भूमि को अलग दिखा रहा है, जल को अलग दिखा रहा है, दोनों को साथ नहीं दिखा रहा। तो वही बता रहा हूँ कि कुछ जीव जंतु ऐसे भी आएंगे ना जो दोनों में रहते हैं, जो भूमि पे भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आएगा इसलिए गलत, ठीक है। थर्ड वाला बताओ। थर्ड वाले में सी। हाँ, और किसी का पूजा? मेरा भी सी है इसमें, ठीक है। तो अब किसका देखते हैं, किसका? अब देखो सर, मैंने है ना इसको, तुमने कैसे किया बताइए। मैंने इसको, मैं पहली बार कर रही थी इसको, तो मैंने सोचा विज्ञान है, विज्ञान को अलग लेती हूँ और फिजिक्स और केमिस्ट्री को अलग लेती हूँ। तो फिर मैंने ना ये इसमें लगाया कि विज्ञान में कुछ कुछ चीजें तो भौतिकी वाली होती ही है और भौतिकी में कुछ कुछ चीजें तो रासायनिक वाली होती ही है, तो गलत जा रहे हो। एक दूसरे के साथ थोड़ी थोड़ी मिली हुई है, गलत जा रहे हो। तो मैंने इसमें क्या किया सर पता है? मैंने सोचा क्या कि जैसे भौतिक और रसायन दोनों तो विज्ञान में ही आ जाते हैं ना, तो इसमें से विज्ञान तो पूरा है, तो ये जरूरी नहीं है कि पूरा भौतिक ही हो सकता है, पूरा रसायन भी हो सकता है। ये तो है मैंने ए और बी में से तो नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसीलिए ए और बी में से कैसे हो सकता है बताइए। कैसी बात कर रहे हो, मुझे बताओ तुम लोग। 10th क्लास से तुम लोगों ने क्या पढ़ा था? साइंस पढ़ा था, विज्ञान ही जानते थे ना। अब बताओ उसी में से तो केमिस्ट्री निकलता है, उसी में से फिजिक्स निकलता है, तो इसका मतलब क्या बड़ा वाला घोड़ा विज्ञान का हो गया, ये वाला फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। मेरा पी आया, इसीलिए ना मैंने सी लगा, ये आंसर इसका है। तुम लोग पता नहीं क्या दिमाग लगाते हो। सी कैसे हो जाएगा, क्या बात कर रहे हो तुम? अरे भाई विज्ञान ध्यान समझो, 10th क्लास में विज्ञान वर्ड होता है, फिर वही आगे जाके सब्जेक्ट में डिवाइड हो जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री सब विज्ञान के अंदर ही सब्जेक्ट आते हैं। अरे आपने कभी ये नहीं इतना सा दिमाग लगाओ क्या लिखा रहता है? देखो रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, विज्ञान लिखा रहता है उसके आगे, इसका मतलब सब पार्ट है उसका। तुम लोग भी चलो आगे आओ, चौथे में बताओ। अच्छा ठीक है, और किसी का इसके अलावा कोई आंसर है बी के अलावा? रिद्धि तुम्हारा कुछ अलग आ रहा है या किसी को कोई का अलग आ रहा है? अमित तुम का है, तुम ना किए? अरे बताओ। मैंने किया, मैंने सबसे इंजीनियरिंग लग रहा था। हाँ बता रहा हूँ सर, मुझे इसका ना बी है, पता नहीं सही है। अभी देखते हैं, मैं बता रहा हूँ यही ना बोल रहा है कि जैसे कि हाथी और बाघ दोनों मांसाहारी, दोनों तो गलत हो जाएगा। अब देखो सुनो ध्यान से, अब ध्यान समझो। देखो मांसाहार एक बहुत बड़ा हो गया, बहुत सारे जानवर होंगे जो मांसाहारी होंगे, तो अपने को पता है कि बाघ तो मांसाहारी होता ही है, तो बाघ तो भाई इसके अंदर आएगा 100%। ध्यान से समझना ये चीज, बाघ इसके अंदर आएगा, ठीक है। अब हाथी, अपने को पता है कि हाथी क्या मांसाहारी होता है, शाकाहारी होता है, इसका जहाँ तक अपन मेनली जानते हैं वो शाकाहारी ही होता है, तो अपन शाकाहारी लेके चलेंगे। सबाई बात है, तो ये बड़ा गोला जो मांसाहारी को दर्शा रहा है, तो ये तो गया गलत, ये वाला भी गलत गया, और ऐसा वाला ये भी गलत गया, और अपने को पता है लॉइन तो हमेशा वो मांसाहारी होता है, तो ये आ गया बी आंसर, ठीक है। आगे देखो, अगला बताओ, पांचों को बताओ। और किसे कोई आंसर आ रहा है सी के अलावा? मुझे तो बी आ रहा है, गलती होगा तो। बी क्यों आया?
देखो सुनो, ध्यान समझना, देखो महासागर, महासागर सबसे बड़ा होगा, ध्यान समझना, सबसे बड़ा होगा महासागर। महासागर में जहाज हो गए तो बात जहाज इतने से होंगे, जहाज में तो नाविक बैठा रहता है। सी ठीक है, अगला छठा बताओ, छठे का क्या आ रहा है? मैंने उस रोज इतना दिमाग लगा के नहीं बनाई थी। ए आ रहा है सर, छठे का ए। देखो ऐसे बना दी, ऐसे ना बनाया करो, तुम लोग ऐसे घास काटते हो। चलो और किसी हो जाएगा सर, डी डी हो जाएगा सर, अभी बता रहा हूँ, रुक जाओ, तुम्हारा गलत है मेरा। ठीक है सुनो, इधर देखो महिलाएं, तो महिलाएं सबसे बड़े गुरु को दर्शाएगी, ध्यान से समझ लो। ठीक है, नहीं सॉरी, होमे सेम्पियन जो यहाँ ये, हाँ हाँ पहले होमे सेम्पियन आएगा, मतलब इसमें दोनों आएंगे। ठीक है, पुरुष मेल दोनों आएंगे, मेल फीमेल दोनों आएंगे, ध्यान समझना, मेल और फीमेल दोनों। अब ये वाला जो है ये महिलाओं को दर्शाएगा, और ये जो कुछ महिलाएं होगी जो मदर होंगी, और कुछ होगी जो नहीं होगी, ये आएगा ना आंसर। ठीक है, समझ में आया? हाँ तुम ऐसे करते रहो। साथियों को बताओ, किसी सी के, किसी का सी के अलावा तो आंसर नहीं आ रहा ना। ठीक है देखो, सी क्यों है? देखो कुछ क्रिकेट प्लेयर टेनिस प्लेयर है, तो ये माना मैंने क्रिकेट माना, ये टेनिस माना, और कुछ टेनिस प्लेयर हॉकी प्लेयर है, ये तो खुद ही बोल रहा हो क्वेश्चन में, कुछ कुछ है। ठीक है, तो ये तो ऐसे गया। ठीक है, और देखो आगे देखो, लेकिन कोई भी क्रिकेट प्लेयर हॉकी नहीं है, तो देखो इस डायग्राम में कोई भी क्रिकेट प्लेयर हॉकी नहीं दिख रहा, प्लेस नहीं, इसी से कौन सा डायग्राम इंगित करता, तो ये वाला इंगित कर रहा, ये तो कंफर्म हो गया अपने को। अब मान लो इसमें लेते हैं, इसमें तो कॉमन कर जा रहा, तो ये नहीं होगा। अब इसमें भी देखो कॉमन कर जा रहा, मान लो तुम इसको क्रिकेट मानोगे, ठीक है, अगर इसको हॉकी मान ली तब भी गए, इसको माना तब भी गए, तो गया कंसील, तो सी आ गया आंसर। तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी अपनाया करो, ऐसा नहीं, मतलब अगर कहीं कंफ्यूज हो जाए ना, तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड अपनाया करो। मेरा, मैं इसी मेथड से करता हूँ, मेरा माना वही सबसे बेस्ट है। ठीक है, आठवें को बताओ, सी आ रहा है। किसी और आ रहा है सी के अलावा, किसी का और का? मैंने आठ का नहीं बनाई है, उठा के फेंक दूंगा, तुम इतने दिन तुम लोगों को टाइम दिया, और मैंने स्पेशली बोला भी था इस चीज के लिए। चलो ठीक है, उसी रोज तो बनाया है, तो उसमें भी थोड़ी टाइम में बनाया, सोच समझ के ज्यादा नहीं बनाया। क्यों नहीं सोच समझ के, नहीं बनाया, पढ़ाई वढ़ाई ना करना क्या? चलो ठीक, आगे देखो, देखो नवरात्रि था ना। अच्छा चलो ठीक है, 46 छात्रों की क्लास में 18 फुटबॉल पसंद करते, ध्यान समझना, अब 18 फुटबॉल पसंद है, वही अपना जो है वेन डायग्राम क्वेश्चन है। ठीक, फुटबॉल पसंद करते हैं, 17 क्रिकेट खेलते हैं, ध्यान समझना, 17 क्रिकेट खेलते हैं और 6 फुटबॉल भी खेलते हैं। अगर तुम इनको जोड़ोगे 18 17 6 कितना हो गया? साझा 13 13 8 21 2 मतलब 41 तो हो गए। ठीक, 16 छात्र हॉकी खेलते हैं, जिनमें से 4 क्रिकेट भी खेलते हैं, मतलब कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन कर रहा, तो ये तो गया गोला काम से। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन कर रहा है। ठीक, लेकिन फुटबॉल नहीं, देखो जो हॉकी खेलते हैं पर, देखो फुटबॉल मान लीजिए हॉकी हो गया, ठीक है, और क्रिकेट हो गया ये, और ये फुटबॉल हो गया, तो ये वाला डायग्राम हो गया जो हॉकी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, परंतु फुटबॉल नहीं खेलते। 5 छात्र कैरम खेलते हैं लेकिन आउटडोर गेम्स नहीं। अब देखो ये सारे आउटडोर गेम्स होते हैं, तो कैरम खेलने वाले ये लोग हो गए, और जो सब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये पता होना चाहिए क्या आउटडोर इनडोर गेम होते हैं। ठीक है, 90 का बताओ, 90 ये अच्छा क्वेश्चन है। डी के अलावा किसी को? अभी वो डी क्यों आंसर, ध्यान से समझ लो, फैक्ट्री, फैक्ट्री है मशीनरी उत्पाद है, अब ध्यान से समझना, एक फैक्ट्री होगा, ठीक है, फैक्ट्री में बहुत सारी मशीन होगी, ध्यान से समझना, मशीन भी होगी, उसके अलावा भी कुछ होगा, अरे उस मशीनों के द्वारा कुछ प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, तो वो भी तो उस फैक्ट्री का उत्पाद रहेगा ना, ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि फैक्ट्री मशीन थोड़ा ये होगा, ये गलत हो गया, अरे ऐसा होगा नहीं, तीनों एक चीज़ होगी, समझ में आया? तो ये मतलब सही होना, उससे ज़्यादा ये भी जानना तुम्हें चाहिए कि ये गलत क्यों है। तो कभी ये ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो कभी गलत नहीं होंगे, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अगला बताओ, 10 दी। हाँ, और किसी का पक्का गलत क्यों होंगे कुछ लोग, और किसी का, और किसने क्या किया है? मेरा भी इसमें डी है सर। डी नहीं है, गलत बी है आंसर इसका, बी बोला है, सॉरी सॉरी, बी 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 बी। अब देखो ध्यान समझो क्यों, देखो प्रोफेसर रिसर्चर वैज्ञानिक, ठीक है, अब भाई स्वाभाविक सी बात है, देखो कुछ वैज्ञानिक जो हो सकते हैं, जो क्या हो, प्रोफेसर भी हो, ठीक है, रिसर्चर भी हो सकते हैं, मतलब ये तीनों मिक्सअप हो सकते हैं। अब ऐसा तो केस हो ही नहीं सकता कि सारे सारे रिसर्चर प्रोफेसर बन जाए,
ये कैसे ऐसे चले जाएगा, ये कैसे ऐसे चले जाएगा। और ऐसा हो सकता है कोई कॉमन एक भी अगर मान लो वैज्ञानिक अगर प्रोफेसर हो गया तो ये केस गलत हो जाएगा ना, ये वाला, तो ये वाला हो जाएगा आंसर। ठीक है, 11 बताओ। डी बी 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 फॉर बॉय बोलो ना, बी फॉर बॉय वाला बॉय। हाँ ठीक है, और किसे कोई आंसर आ रहा है? देखो सुनो, कौन सी आकृति वृक्ष हाथी और पशु के संबंध को दर्शाता है? अब ध्यान से समझ लेना। ठीक है, पशु वाला जो है देखो, एनिमल एनिमल में तो हाथी भी तो आ जाएगा, ठीक है, पर वृक्ष तो एक अलग है, ये तो पौधा है तो ये अलग आ जाएगा। ठीक, 12 बताओ। 12 में सबसे इजी, सबसे इजी है ये तो। सी आ रहा तुम्हारा है, सी। हाँ। और किसी कोई आंसर आ रहा है? रिद्धि तुम्हारा बताओ। मुझे इसमें डी है, फिर पता नहीं। डी आएगा इसका आंसर, तुम क्या गलती करे। सुनो ध्यान से, रुको देखो कर रहे हैं, सुनो ध्यान से। पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड के संगठन में वर्थ इंजीनियर को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान समझना है, वर्थ इंजीनियर है। ठीक, वर्ग जो है कानून विशेषज्ञ, ये वर्ग कानून विशेषज्ञ को दर्शा रहा है। त्रिभुज पर्यावरणविद को दर्शा रहा है। ठीक है, प्रतिनिधित्व करता है तो बताइए क्षेत्र अनुसार कौन बोर्ड में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व करता है? प्रतिनिधि करने के लिए सबसे बड़ा एरिया लेना पड़ेगा। हाँ, तो सबसे ज्यादा तो इंजीनियर, हमने इंजीनियर वाला। हाँ, इंजीनियर वाला ही तो ऑप्शन है। ठीक है, सकता है। सुनो सीरीज, सुनो आगे देखो, पहले एक एक ऑप्शन काटो। पर्यावरणविद, पर्यावरणविद तो इतना सही है, ठीक है, तो ये कट जाएगा। सिंगल तो हो, कानून विशेषज्ञ ऐसे हो गए। ठीक है, ध्यान समझना, गया काम से। अब इन दोनों में इंजीनियर लीगल बैकग्राउंड के साथ, ध्यान समझना, इंजीनियर प्लस ये एरिया, ध्यान समझ, ये एक्स्ट्रा एरिया जुड़ा। ठीक है, लीगल ऐड कर रहे हैं सर, वो लीगल। अरे हाँ, लीगल बैक, मैं वही बता रहा हूँ, इंजीनियर ध्यान समझना, ये वाला पार्ट ऐड हुआ, ठीक है, और ये वाला। ठीक है, पर्यावरणविद, पर्यावरणविद हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट, इंजीनियरिंग ये वाला पार्ट, और इन्वायरमेंटलिस्ट विथ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। ठीक है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, हाँ फिर समझ गया। ठीक है ठीक है ठीक है, ये वाला आएगा, सी आएगा इसका, क्योंकि देखो एक्स्ट्रा जो, देखो ये एरिया तो इसी में इंक्लूड हो ही गया है, ये एरिया की बात कर रहा है, ये चीज़ याद रखना, एरिया की बात कर रहा है। तो देखो ये पूछ रहा है कि ज़्यादा, हाँ तो ये वाला एक्स्ट्रा एरिया इसमें, हाँ इसमें ये वाला आ जाएगा, तो ये वाला ऐड हुआ तो सब ऐसी हुआ तो सी आएगा। ठीक है, तो वो चीज़ याद रखना। ठीक है, आगे देखो, 13 बताओ। हाँ ये तो पता है भाई, भारत है, भारत में केरल है, बिहार ये कम होगा नहीं। ठीक है, 14। हाँ, 14 का बी मुझे भी आया है, बी बॉय वाला। हाँ तुम तभी तुम देखो डी कैसे आ गया। देखो सवर से शुरू नाम, सवर से शुरू होने वाले समझ लो ए ई आई ओ और यू से शुरू होने वाले, और ई से शुरू नाम होने वाले, तो ई से शुरू मतलब इसके अंदर ही आएगा, ये ई से शुरू होने वाले हैं तो ये सवर से शुरू होने वाले। ठीक, दूसरा ए से पी तक, अब ए से पी तक सब ऐसी बात है, तो यहाँ पे शुरू नाम के कौन से डायग्राम, तो ए ए मान लो यहाँ कॉमन हो जाएगा, ई और क्या हो जाएगा, ए बी ई। अब रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ पे है ना, देखो मामला गड़बड़ हो सकता है, एक मिनट को चेक करना पड़ेगा ये अच्छे से। तो मैं हमें बताऊँ, जब थोड़ा बहुत डाउट क्रिएट हो तो ये सोचो वो और क्यों नहीं कटेंगे। अब देखो ये तो कट जाएगा सीधा सीधा, क्योंकि भाई सभी सी बात है, स्वर सबसे बड़ा रहेगा, मतलब स्वर में मान लो कि ये डब्बा है स्वर वाला, ठीक है, और ये पूरा पूरा उसका है, मान लो 26 अक्षर है, तो 26 में से 5 ही तो स्वर होते हैं, और ये मान लो कि 21 ही है। ठीक, ध्यान से समझना, तो एक तो ये गोला बनेगा, ठीक है, दूसरा इसमें से कुछ कॉमन आएगा, ऐसे पी वाले नाम शुरू होने में, ये नहीं 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 रुको रुको रुको, ये मत, चलो जा रही सर, आप जो बड़ा वाला गोला ले रहे हो ना, वो स्वर के लिए बनेगा। स्वर के लिए कैसे बन जाएगा, आप ये समझो ना, आप ये बड़ा वाला गोला अगर आप मान लो स्वर के लिए ले रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब है ए ई आई ओ और यू। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अगर ई वाला पार्ट मान लो मैंने ई, ये तुम बोले हो ना कि ये सब, ये मान लो ये सारा हो गए,
ई वाला पार्ट ये हो गया, ठीक है, ध्यान से समझना, इसे नाम सुनने होने वाले, ई ए ई आई ओ और यू हो गया, ठीक है। अब देखो ए और पी से शुरू नाम, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, हाँ गलती यहाँ पे क्या ना, और नहीं है, और मतलब तो क्या होता है ए से पी तक, पर इंग्लिश में पढ़ो आप, ये इंग्लिश हिंदी में गलत दिए हैं तभी मैं बता रहा हूँ, इसलिए गलत हो रहा है। अब यहाँ पे मतलब है ए और पी, बस ए या पी, तो देखो समझ बात है, ये ए हो जाएगा ये पी हो जाएगा, तब बी आएगा आंसर, परंतु अगर ए से पी तक आ जाएगा ना फिर मैं बता रहा हूँ आंसर चेंज हो जाएगा, इसीलिए देखो यहाँ पे पढ़ो और का मतलब ये और वो वाला नहीं, या होता है ए या पी, समझ में आया। अगला पढ़ो 15। हाँ क्योंकि तीनों भाषाएं हैं तो तीनों अलग अलग होंगी ना, ठीक है। 16 बताओ, 16 सोलह का डी आएगा, सब अच्छी बात है, दो कम से कम दो भाषाओं का, कम से कम, तो कम से कम एम हो गया, पी हो गया, एन हो गया, कम से कम बोला है तो तीन भी जान सकता है, वो हो गया, ये याद करो अपने वेन डायग्राम पढ़े थे अच्छे से, ठीक है। 17 बताओ ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, बी फॉर बॉय, हाँ ठीक है। अब सुनो सुनो, अब मैं तुम लोग इस क्वेश्चन में गलत कर रहा था, देखो सुनो, ये बताओ मतलब इन क्वेश्चन में इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, देखो सुनो, जैसे मान लो कि घर है, अपन ये मान लो घर मान लिया सारा, घर के अंदर बेडरूम भी होता है बाथरूम भी होता है, ये कोई जरूरी चीज़ है, इसमें ए भी हो सकता है ना, हाँ ये भी हो सकता है, जैसे घर है उसमें बेडरूम है, मतलब बेडरूम का मतलब ऐसा माना जाता है कि जिसमें मतलब वही हो, बाथरूम वाला नहीं हो, पर तो वैसा भी तो हो सकता है ना, बेडरूम के अंदर बाथरूम हो, ऐसा भी नहीं, ऐसे दिमाग लगाएंगे तो हाँ फिर बहुत सारे आंसर निकल आएंगे, वही 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 बहुत सारे घर तो ऐसे बने रहते हैं जहाँ बाथरूम होता ही नहीं, इसे तो बी होगा, बी आंसर है, मतलब अपने परफेक्ट केस में देखना पड़ेगा, चलो ठीक है। 18 बताओ, 18 होगा सर ए, ओह माय गॉड गलत जा रहे हो, चलो और बताओ तुम्हारा कितना, मुझे सी आ गया इसका, 18 का सी है, हाँ सी होगा, तुमने तुमने तो बताओ क्या कर दिया फिर, न्यायाधीश को भी अपराधी बना दिया तुमने, नहीं मैंने ऊपर सबसे ऊपर रखा है न्यायाधीश को, पहले वाले में सबसे पहला बोला, तो बात तो वही हो गई ना, न्यायाधीश हो गया अपराधी, अरे अरे दिमाग तो लगाओ फिर, तो वो भी तो अपराधी हो गए न्यायाधीश भी, न्यायाधीश सबसे अलग होगा, देखो सुनो अपराधी आएगा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट चोर का आएगा, ये वाला न्यायाधीश का आएगा, समझ में आया, न्याय करेगा या चोरी करेगा, चलो ठीक है 19 बताओ, 19 बताओ, होता है कोई, पर ए ही आ रहा है, ए ही आ रहा है, ये भी गलत जा रहा है, बी भी दे दिया हम, ए भी दोनों ले लिए, सुनो आगे देखो, नीचे देखिए देखिए जिसमें कौन सा रेखा चित्र पति पत्नी और परिवार के पारिवारिक संबंधों को सही प्रदर्शित करता है, ध्यान से समझना, अरे देखो ध्यान से समझना, एक पति पत्नी हो गया, देखो ये मान लो फीमेल है, मान लो ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, इन्हीं से तो परिवार बनेगा, ये अलग होंगे तो परिवार बनेगा, कैसी बात कर रहे हैं आप, हाँ पारिवारिक संबंध सिर्फ पति पत्नी से थोड़ा, अरे तो भाई ये और तो रहा ना, ये और रहा ये और तो है ना, पर ये देखो ये हस्बैंड ये वाइफ, अरे इनसे मिलके बना परिवार, तो ये अलग कैसे हो सकते हैं सर, इनको अलग अलग क्यों दिखा रहा है, उसमें तो टेस्ट करके दिया है, अरे ये तुम क्या बात कर रही हो, अरे तो तुम्हारे तो फिर ये भी गलत है, ये तो फिर किसी हाल, फिर तो तुम लोग ये लोग ये कैसे सही हो जाएगा, आधा अच्छा आधा पार्ट आधा आधा पत्नी आधे आधा पत्नी, यार क्या बात कर रहे हो तुम, अरे सिंपल सा मतलब तुम नहीं समझे, समझे देखो हस्बैंड, देखो घर कैसे बनता है, हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे और उससे परिवार बनता है, फैमिली, खत्म बात, सीधे सिंपल सा आंसर, मैं तो बड़ी खुश हो रही हूँ, तुम लोग चलो गलत निकले जा रहे हैं, चलो ठीक है 20 बता, 20 का बी आ रहा है, बी आया इसका, सब लोग गलत जा रहे हैं, देखो सुनो कॉलर पॉकेट, समझ नहीं आ रहा था इसमें क्या करें, अरे नहीं 20 की बात कर रहा हूँ, 20 की बताओ 20 का,
20 वाला संगीत, ऐसा क्या हमारा आंसर? हाँ सर बी है इसमें, इसमें बी ही है, संगीतकार बड़ा में भी बी ही थी। उसमें से कुछ आदमी भी हो सकते हैं, कुछ औरत भी हो सकते हैं। अब देखो मैं बता रहा हूँ वो क्यों गलत हो जाएगा, बाकी का बचा हुआ सर ट्रांसजेंडर भी हो सकते हैं। नहीं नहीं सर वाले दिमाग से देखो सुनो 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 आप देखो मान ले देखो सोसाइटी वाला दिमाग हट गया है। अरे सुनो 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 ये देखो ध्यान से समझना, देखो मान लो संगीतकार है, अब संगीत संगीतकार सब ऐसी बात है मेल या फीमेल तो होंगे भाई, इससे तो मतलब एक नॉर्मल सा केस अपन यही मान के चलते हैं यही तो होंगे, तो ये केस तो गया अपना काम से ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, अगर तुम इसमें ये सारा ले लोगे तो इसका मतलब तुम ये लोग मान रहे हो कि सारे के सारे मेल जो है संगीतकार है, ये तो गलत मामला है ना, समझ में आया? क्यों गलत है बी ऑप्शन, समझ में आया? अब यहाँ पे देखो इसको संगीतकार लो, इसको मेल लो, इसको फीमेल लो, तो हाँ कुछ मेल है जो संगीतकार है, कुछ फीमेल है जो भी संगीतकार है, तो यही आंसर आएगा ना, समझ में आया? गलत करवा के मानोगे। चलो 21वां आओ, 21वां बताओ। जिसपे यकीन था कि सही होगा वो सब गलत हो गया, जिसपे भरोसा भी नहीं था वो सही हो गए। चलो 21 से क्या है, बी फॉर बॉय, बॉय वाला बी, बॉय वाला बी। आप देखो सुनो इसका बी, देखो शर्ट कॉलर पॉकेट, देखो शर्ट होती है, शर्ट में कॉलर होता है उसी में पॉकेट होता है, तो बी आएगा ठीक है। चलो इसमें पक्का गलत क्यों होंगे, अगर बता? किसी को डाउट, अगर इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो अपनी शर्ट उठा के देख लेना, इसका मैंने सीधे दिए से। चलो ठीक है तुम तो गई, तुम गई, तुम गई, पूजा गई काम से। अब तुम बताओ ना गिरा तुम्हारा क्या आ रहा है? 22 में भी हाँ मेरा भी ए ही आ रहा है। नहीं इसने सी मारा, ए आएगा, समय तो अप्रूव, हाँ ए आ रहा है। देखो सुनो प्लम्स क्या होता पता है? बेर नहीं तो हमको पता नहीं था, मैं इस वजह से होते हैं यार बेर। टोमेटो, अच्छा फ्रूट फल, देखो सुनो फल, फल देखो ये देखो टमाटर जो पेड़ होता है उसका फल होता है टमाटर, इसलिए वो ध्यान समझना, बेर भी फल होता है। इस तरीके से है ना वो समझने में मैंने गलती, कोई नहीं चलो ये तो नहीं गलती की है। 23वां बताओ ये पक्का गलत किए होंगे तुमने, आपका डी, डी फॉर डॉग या बी फॉर बॉय? मेरा भी डॉग। हाँ देखो विद्यालय होगी, ये विद्यालय हो गया ठीक है, उसमें क्लासरूम होगा, क्लासरूम में श्यामपट्ट होगा ठीक है। अब अलग अलग नहीं हो सकता, क्लासरूम बोर्ड अलग अलग नहीं हो सकता, अरे नहीं होगा ना, ये क्यों होगा, ये सारी चीज गलत है। चलो अगला 24वां बताओ, ऐसे डी भी है, सी, सी आएगा, तो तुम्हारा क्या है पूजा? मेरा भी सी है सर। आप देखो म्यूजिशियन है ठीक है, संगीतकार है वो लोग, इंस्ट्रूमेंट वायलिनिस्ट, तो उनके पास सब कुछ रहेगा ठीक है, तो ये म्यूजिशियन का आ जाएगा तो इसमें सारे सामान रहेंगे ठीक है। चलो 25 बॉय, तुम्हारा पूजा बॉय। अरे देखो सब ऐसी बात वही आएगा, देखो पृथ्वी हो गया, ये बड़ा गोला पृथ्वी हो गया, पहाड़ और जंगल इसके अंदर ही होंगे, तो ये तो गया काम से, पर पहाड़ जंगल भी तो मिले रहते हैं, बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पहाड़ और जंगल मिल जाते हैं, पहाड़ों में भी तो जंगल होते हैं ना, तो भी आ गया आंसर। 26वां बताओ ये गलत क्यों होंगे, पक्का मैं बता रहा हूँ, डी आएगा इसका। देखो सुनो देखो ध्यान से समझना, समझना ध्यान से समझना, देखो वातावरण क्या होता है ध्यान से समझना, अगर ये बेसिक बेसिक, तुमने क्या मारा है बी फॉर बॉय मारा है तुमने, मैं अब गलत गई तुम, मैंने लगाया सर बी, हाँ मैंने लगाया, तो बी गलत गया ना, देखो ध्यान से समझना, तुमने एनवायरनमेंट क्या होगा क्या सर, अरे देखो समझो एनवायरनमेंट की परिभाषा जनरली क्या होती है, हमारे आसपास जो चीजें हमें सामने आमने सामने दिख रही है वो एनवायरनमेंट है, अब उसमें हम पानी को अलग से थोड़ा लेके जाएंगे, पानी तो होता ही है। देखो एटमॉस्फेयर, देखो जल मंडल, थल मंडल, वायुमंडल, ये सब अलग अलग होता है ना, नहीं हाँ होता है अलग अलग, पर वो एनवायरनमेंट का ही तो पार्ट होता है। अरे ये अगर यहाँ पे एनवायरनमेंट बोलता है ना, सुनो एनवायरनमेंट बोलता तब ये सही था, ये एटमॉस्फेयर बोला है, एटमॉस्फेयर इधर तो एनवायरनमेंट वातावरण बोल रहा है ये। अरे आप इंग्लिश में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, अरे वातावरण को भाई ऐसे भी एनवायरनमेंट को पर्यावरण बोला जाता है, एटमॉस्फेयर कह रहा है, हमने देखा ही नहीं इंग्लिश में।
ठीक है। तो गलत है मेरा ये आ जाएगा। देखो एटमॉस्फेयर में सब ऐसी बात है, देखो कुछ कुछ एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन भी रहेगा, जल भी रहेगा, तो जल में हाइड्रोजन भी रहता है तो ये मिक्स वाला पार्ट ये आएगा, और देखो वातावरण में हाइड्रोजन भी रहता है, तो ऐसे तीनों मिक्सअप आएगा, ये अलग सर, बनेगा नहीं ये बनेगा। एटमॉस्फेयर में तो फिर ये भाप की बात कर रहा है हैं? एटमॉस्फेयर में फिर ये भाप की बात कर रहा है, भाप, वाटर वेपर। अरे हाँ देखो समझा, हाँ होगा ना, देखो जल है जी, ध्यान समझा। मैंने उसको अलग से लिया, मैंने जल नदी वाला जल लिया। अरे नहीं वो सारा जल मतलब जल सारा आएगा उसमें। चलो ठीक है, चलो 27 बताओ। एक ए नहीं आएगा। अरे पूजा, पूजा कभी गुलदस्ता नहीं मिला क्या तुम्हें? अरे सुनो, तेरे ऊपर वाला सही हो या नीचे वाला सोच के बनाया अरे गलत हो सुनो, गया? दिमाग लगाओ ना, फूल है ज्यादा सोचने भी बिना गलत हो गया है, देखो जितना भी सुनो, मैं सही। फूल होता है ऐसा है वाला फूल है, फूल के अंदर पंखुड़ी होती है, ठीक है। अरे देखो गुलदस्ता, देखो गुलदस्ता ये बड़ा हो गया, गुलदस्ता ये हो गया, गुलदस्ते के अंदर फूल रहेंगे, फूल के अंदर पंखुड़ी रहेगी ना, ठीक है। चलो 2800। क्या डी फॉर डॉग है बी फॉर बॉय? गलत, समझो ध्यान से क्यों। घरेलू खेल, ठीक है, जो घर पे खेलने वाले खेल होते हैं, जो घरेलू खेल है चेस और टेबल टेनिस, तो भाई सब घरेलू खेल में तो आता है दोनों, मैंने बताया था एक इंडोर गो। अरे देखो ये समझो, इधर लिखो इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स, ये इंडोर गेम्स है ना, ये इंडोर। इंग्लिश में नहीं देखा सर, अपने हिंदी में देखकर बनाया। अरे भाई ये गलती मत करो, ये यूपीएससी में होती है गलती। चलो ठीक है 29 बताओ। सीएपीएफ 29 का, ये सीएपीएफ का क्वेश्चन है। 29 का बी है, बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉय या डी फॉर डॉग? हाँ नहीं, बॉय बॉय बॉय, हाँ सही है, ठीक है। देखो शाकाहार, स्तनधारी और पालतू, अब ध्यान से समझना। अब देखो एक चीज़ याद रखना कि कुछ शाकाहार जैसे रहेंगे वो पालतू भी होते हैं, मान लो कि ये शाकाहार ले लिया, पालतू ले लिया मैंने, और ये स्तनधारी होते हैं, तो ये कॉमन इंटरसेक्शन आएगा, ये तो कभी बनेगा नहीं, नहीं ये बनेगा नहीं ये बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना हमेशा, याद रखना रिश्तेदारी जो होता है ना, मनुष्य भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, इसलिए ये अलग वाला पार्ट बनेगा, ये इंटरसेक्शन मतलब ये वाला पार्ट नहीं, कॉमन वाला पार्ट नहीं आएगा। चलो ठीक है 30। ए फॉर एप्पल, ठीक है सही है। देखो कौन सा एक बृहस्पति, मंगल और ग्रह, ग्रह बड़ा हो गया, ये बृहस्पति हो गया, मंगल हो गया, आगे आंसर, ठीक है। तो कितना हुआ है 30 में से, कितना बताओ? मैंने तो सही की नहीं, और सबका स्कोर बताओ। ये नगीना का स्कोर आ गया, तो ये नगीना का स्कोर आ गया 2 कट गया 22, 60 में से 44 नंबर। और बताओ और बताओ और बताओ, मेरा कितना गलत हुआ, मेरा एक गलत हुआ। काट दीजिए, पता नहीं सर मैंने टिकने लगाई, सर मैंने इंग्लिश में नहीं देखा इसको, सच मैंने तो मैं एक भी गलत नहीं होने देती। कोई नहीं, अगली बार ये इस संडे फिर से टेस्ट रखोगे इसका, इसी का टेस्ट रखोगे अब की बार? नया टॉपिक मैं सोच रहा हूँ पढ़ाऊँ तब दूँ, नहीं इसी का करो तुम लोग, ये इसी ये डायग्राम वाला है ना, थोड़ा अलग टाइप का है, थोड़ा अलग टाइप का है वो, ठीक है, मतलब इसी टाइप से थोड़ा सा दिमाग फ्रेश हो। चलो ठीक है ना, फिर मैं करता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा शीट भी दूंगा करने के लिए उस दिन संडे को, ठीक है, जो एक्स्ट्रा शीट मिल चुकी है। हाँ चाहो तो आप जितने हमारे टेस्ट हो चुके हैं ना सीसेट वाले, हाँ सबका मिला के दे देना, सबका मिला के दे देना कुछ कुछ क्वेश्चन। वो रुक जाओ, नंबर सिस्टम उसका दूंगा, लीनियर इक्वेशन का जो बचपन में तुम लोगों ने पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन का दूंगा, लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। नहीं हाँ अभी सेक्शन सेक्शन वाइज ही चलेगा, अभी सेक्शन वाइज ही चलेगा, मतलब मिला के ना जनवरी से सही रहेगा ना, वो तो ठीक रहेगा उस टाइम में। मेरी बात भी तो सुन लो एक बार। हाँ हाँ बोलो। मेरे साथ मैं अपना बता रही हूँ, मेरे साथ क्या होता है, मैं एक ही जैसे सेम सेम क्वेश्चन दो